दूध डालने से क्या होता है, जो हमारे नारियल का जो बुरादा होता है वो अच्छी तरह से फूल जाता है। इससे हमारी नारियल की बर्फी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाएंगे ताजे नारियल की बर्फी। तो जिसके लिए मैंने ताजा नारियल लिया है, उसको इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। तो इसकी जो ऊपरी जो काला सा छिलका है, इसको हमें बहुत पतला पतला सा छील देना है। तो सारे नारियल को छील लेते हैं, इस तरह से छील देंगे। तो नारियल हमने छील लिया है, तो इसको धो लेते हैं। नारियल को हमने धो लिया है, तो इसको मिक्सी के जार में डालकर इसको दरदरा सा पीस लेंगे। ज्यादा महीन नहीं पीसना है, तो पतला पतला सा इस तरह से काट लेंगे। तो नारियल को हमने पीस लिया है, ज्यादा पतला नहीं पीसना, इस तरह से इसका बुरादा सा तैयार कर लेना है, इस तरह से दरदरा सा। गैस पे कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो डालेंगे एक चम्मच घी। नारियल डाल देंगे, गैस मीडियम रखेंगे। नारियल को हमें हल्का हल्का सा भूनना है। नारियल को हमें इतना भूनना है बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। नारियल हमारा भून गया है, इस तरह से भूनना है। तो डालेंगे दूध, मैंने एक गिलास दूध लिया है एक नारियल में, मिक्स कर देंगे इसे। तो इसी तरह से चाहिए हमें, तो गैस को बंद कर देते हैं। हल्का सा घी लगा देंगे। इस तरह से हमें इसे फैला देना है। पत्ती का कट लगा देंगे। इस तरह से बर्फी काट देंगे और इस बादाम लगा देंगे। ठंडा होने देते हैं। ठंडी हो गई है तो बर्फियों को निकाल लेते हैं। तो हमारी नारियल की बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है।